जैसे कि मैंने बताया था, आज एक और ट्रिप पे जा रहा हूँ मैं, वो है मुंबई का ट्रिप। तो आ गया हूँ मैं हावड़ा स्टेशन। अभी ट्रेन छूटने का वेट करते हैं। मम्मी को लग गया भूख, मम्मी मार बिस्किट। बहुत लोग ट्रेन का खाना पसंद नहीं करते। तो फाइनली हम पहुंच गए मुंबई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हो? होपफुली बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था, आज एक और ट्रिप पे जा रहा हूँ मैं, वो है मुंबई का ट्रिप। तो लगेज यहाँ तैयार है, हाँ, पैकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी हमारा पैक था सामान। मैं और मम्मी जा रहे हैं, तो कैब भी आने वाला है, कैब बुक कर दिया हमने। आई थिंक 5-6 मिनट में कैब आ जाएगा, हाँ, तो उसी का वेट कर रहे। तो होपफुली जैसा फर्शिंग दार्जिलिंग का था वैसा ही हो ये भी, हाँ। बट थोड़ा खाली खाली है क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा लोग थे, तो मज़ा आया था। इधर मैं और मम्मी हैं, फिर भी होप कि अच्छा जाए। तो अभी सीधा कैब आता है, तो कैब में बैठने के बाद कंटिन्यू करता है वीडियो, ठीक है। तो हम निकल गए अभी, तो अब देखते कितना टाइम लगता है जाने में। अगर ट्रैफिक नहीं हो तो जल्दी पहुँचेंगे। तो आ गया हूँ मैं हावड़ा स्टेशन। मम्मी आ रही थी, कौन गाड़ी नहीं चल पाएगी शताब्दी है, जो 15 वाला नहीं, कौन ट्रिप पकड़ना सर। तो अभी कितने टाइम बाद हावड़ा स्टेशन। मुझे जब मुंबई जॉब करता था तब आना जाना रहता था, बट अभी पता नहीं कितने सारे चेंजेस हो गए होंगे इसमें। तो मैं उसी अंदाज से पहले जिधर से ट्रेन पकड़ता उसी हिसाब से आया हूँ। अब पता नहीं ट्रेन यहाँ लगेगा या कहीं और लगेगा, चेक करना पड़ेगा। ये नया वाला प्लेटफॉर्म है इसका। फिर देखते हैं ट्रेन किस में आता है, फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सब कुछ वही है जैसा था, कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं हुए, तो वेट करते हैं। तो हम जा रहे हैं आगे क्योंकि ट्रेन लगने का टाइम हो गया है। आई थिंक 10-15 मिनट्स में लग जाएगा, हाँ। 1:25 तो हो गया है, 1:20 वैसे 10 मिनट में लग जाएगा ट्रेन क्योंकि 2 बजे का है। और ये आ गया हमारा ट्रेन। सीट पे बैठ गए हम लोग, और अभी 15 मिनट और है, 15 मिनट बाद ट्रेन छूटेगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। तो अभी ट्रेन छूटने का वेट करते हैं, तो लेट्स सी कैसा होता है ट्रेवल। और अभी हमने समोसा लिया है, समोसे का हालत देखो ऐसा है, हवा निकाल दिया होगा। 10 रुपए का समोसा है। और कितना लूट हो गए, समोसा
है ना केबल से ना आलू इतना ही है बस, सीधा चपाती बेच लेते हैं। तो ऑर्डर चिकन थाली का तो वो आ गया है, वो कैसा दिखता है वो देखो आप लोग। ये बहुत लोग ट्रेन का खाना पसंद नहीं करते ना, वो मुझे अच्छा लगता है, बोले अनहाइजीन होता है, बट अभी बहुत अच्छा हो गया इनका खाना भी पहले से। ये देखो आप लोग, राइस चिकन वेज और यहाँ पे एक्स्ट्रा राइस भी है और पिकल साथ में। 150 में अच्छा है खाना, क्वांटिटी ख़राब नहीं है, 150 में खाना क्वांटिटी बहुत अच्छा है। फिर हल्का फुल्का खाने वाले दो आदमी के लिए यहाँ पर, तो इसको ख़त्म कर दें फिर सीधा मूवी देखेंगे रात को। सो खाना हो गया हमारा, तो भी जस में ऊपर आया और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं मेरे को ए सी कंपार्टमेंट में क्या नहीं पसंद है, वो है ये चीज़। फर्स्ट वाइट पिलो, सेकंड वाइट बेड सेट, थर्ड एक और बेड सेट ओढ़ने के लिए ना, और एक वाइट टॉवल। मतलब दुनिया में दूसरा और कोई कलर नहीं है ये वाइट ही। रात को इतना भयंकर दिखता है ना, तो रात को सब चादर ओढ़ते सफेद वाला, ऐसा नहीं लगता कि हम ट्रेन में, ऐसा लगता मुर्दे कहीं में बैठे हैं, भयंकर वाला दिखता है। मैं बहुत पहले ही बार कर चुका हूँ ना, शायद मेरा सेकेंड टाइम है, उस टाइम भी मैंने देखा था सर, तो इसीलिए मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं तो अपना चादर साथ में लाया, मुझे नहीं पसंद है सफेद वाला। मम्मी को मैंने घर से ज़्यादा दो चादर मैंने लिया था, ये मम्मी को देख मेरे ये वाइट वाला तो खतरनाक वाला दिखता है, जब वो मैं सोते हुआ तो पॉसिबल होगा तो मैं आज सबको दिखाता हूँ कैसे दिखता है सब, ठीक है। तो अब थोड़ा देर मूवी देखूँगा फिर जैसे नहीं आएगा रात को। चलो अब सो जाते हैं। अभी जस्ट उठा हूँ और अभी बज रहे हैं 7, कुछ देर बाद आई थिंक नागपुर स्टेशन आएगा शायद, लेकिन पता नहीं सर नागपुर स्टेशन आएगा, उसके बाद हम मार्च में उठ सके, और अभी कम से कम 12-13 घंटे का जर्नी अभी बाकी है। 4 बहुत कम हुआ, उसमें देखता हूँ क्या होता है ना, अभी फ्रेश होते हैं थोड़ा कुछ चाय वाय पीते हैं।
पे पहुंच गए नागपुर स्टेशन। बहुत बिजी स्टेशन है ये भी, ऐसा क्राउड रहता है यार। ये तो मैं दिखा रहा हूँ, काफी बड़ा भी है। सो लगभग और 12-13 घंटे का जर्नी और बाकी बचा है ना, तो अब नाश्ता तो करते हैं, फिर देखते दिन भर क्या करना है। अभी बज रहे हैं शाम के 4, अभी भी 6 घंटे का जर्नी भी बाकी है, तो कुछ देर बाद नासिक इंटर होगा। नासिक इंटर होने के बाद और भी ज़्यादा पार देंगे। नासिक पता है, नासिक में तो ठंड मौसम रहता है, तो वहाँ पर हिल एरिया है, उतना ज़्यादा भी नहीं बट है, थोड़ा ज़्यादा हिल एरिया है। नहीं पता नहीं कौन सा स्टेशन है, छोटा मोटा स्टेशन है, लोकल है। नासिक स्टेशन दिखाऊँ मुझे भाई, वो बहुत अच्छा है दिखने में, वहाँ से व्यू भी अच्छा दिखता है नासिक का। और जैसे जैसे नासिक गुजरे वेदर वगैरह खराब, बहुत जोर बारिश तूफान चल रहा होगा, देख रहे हो कैसा गिरा है बादल। मंदिर हवे की जाने, हां ওরকমই আছে, ওরকমই আছে পাহাড় মন্দিরের মত না। नासिक आगे ऐसे पता चलता है जब अंगूर के पेड़ आ जाते हैं, समझ जाने के बिना नासिक एंटर हो गए। अब थोड़ी देर बाद किशमिश बेचने वाले भी आए, ये देखो। और नासिक आ गए हम, और कुछ देर और नासिक दिखाता हूँ मैं आपको। नासिक स्टेशन ऐसा है, ये भी बिजी स्टेशन है बहुत ज़्यादा। अब कुछ घंटे और बस, आई थिंक 4-5 घंटे और लगेगा अगर जितने अच्छा चलाया तो, नहीं तो फिर लेट होने वाला है, फिर आधा घंटे कम से कम, आधा घंटा 1 घंटा लेट होगा। कैसे है? इलाची पिलाची दिया, इलाच दिया आज। तब तक ठीक है। मैं कोला गुलो कम ना, 20 টাকা ফেরত দিলে আমাকে। হ্যাঁ, কলকাতা থেকে 20 টাকাতে 3 পিস পাওয়া যায়। সেই কথা তো, আমি তো অবাক হয়ে গেছি, আমি কি হলো ব্যাপারটা। নাসিক চা ফেমাস है, নাসিক চা ফেমাস है। चाय बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा टेस्टी है, मजा आ गया, फ्रेश हो गया एकदम, मजा आ गया, फ्रेश हो गया एकदम चाय भी। अब देखते हैं कितनी जल्दी पहुंच जाता है। नासिक आ गया तो कैसे पता चलता है, ऐसे पता चल जाए अंगूर आते हैं, ये देखो अंगूर कितना चाल हो गया नासिक में। तो नासिक आया, नासिक अंगूर ने ट्राई कर रहा था, उधर पे वो मिल रही है, पहले चेक करके लेगी कैसा है बेटा है। अब तो पता नहीं सीजन है या नहीं, इतना आइडिया नहीं मुझे, तो ऐसे पता चलता है नासिक आने का। ए सी ये है बोल के कंपार्टमेंट बोल के इतना नहीं आया, नहीं तो नॉर्मल कंपार्टमेंट तो आ जाते लाइन से। किसमिस अंगूर लेके थैली बांध के मैं दिखा था अभी, अब यहाँ तो थैली तो मैं रेडी रहता है 20-20 रुपये करके थैली, तो ऐसा रहता थैली हमारा। सच में मिठाई तब इन कॉन्वेंट का बेच रहे, 1 रुपये कम नहीं होगा, 20 रुपये तो 20 रुपये। मैं रहते उसको धोखे लाता हूँ, मैं बिना धोए खाए मैं धोखे फिर खाता हूँ।
फाइनली हम पहुंच गए मुंबई। गर्मी है पर उतना ज़्यादा भी नहीं है, बट ठीक ठाक है। अच्छा है कि बारिश नहीं हो रहा है ना। मम्मी आ रही पीछे, जल्दी से घर चलते हैं क्योंकि जर्नी करके बहुत ज़्यादा थक गया मैं। तो फटाफट से जाएंगे, यहाँ से टैक्सी पकड़ के जाएंगे चर्च गेट, वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे घर के लिए। आपको ट्रेन में मिलता हूँ, चलो बाय बाय। कौन सा बिल्डिंग है? अभी तो वेस्टर्न रेलवे का है। उतर गए हम स्टेशन में, अब यहाँ से ऑटो लेंगे और घर जाएंगे। और काफ़ी थक गया हमें, मुझे सगल से पता चल रहा होगा कब घर पहुँचो और ऐसा हो गया थक के। मेरा मम्मी का दोनों हालत, भाई आया लेने, भाई आगे जा रहे हैं। नहीं चलना।